हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकर प्लेट एंड स्क्रीन पैक के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ब्रेकर प्लेट होता कैसे है और स्क्रीन पैक दोनों। तो ये जो है एक्सट्रूडर सिस्टम है, ठीक है। ये स्क्रू को शो करता है, ये बैरल होती है और स्क्रू का जो एंड पॉइंट होता है जहां से मोल्टेन मटेरियल बाहर निकलती है, ये डाई है, डाई के थ्रू मोल्टन मटेरियल बाहर निकलेगी। तो स्क्रू के लास्ट एंड पे ये स्क्रीन पैक सबसे पहले होती है, फिर ब्रेकर प्लेट होता है, ठीक है। सिमिलरली सेम इसमें भी फिगर में वही दिखा रहा है, ठीक है। ये जोन्स होते हैं, हमें पता ही है कि ये मेटरिंग जोन होती है जो स्क्रू का लास्ट एंड पॉइंट होती है, जो डाई के पास होती है, ठीक है। उससे पहले कंप्रेशन जोन होती है और उससे पहले फिट जोन होती है, ठीक है। और फिट जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन क्या होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको दिख गया कि ये स्क्रीन पैक ये होती है और ब्रेकर प्लेट होती है, ठीक है। ब्रेकर प्लेट के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या, ठीक है। अगर हम ब्रेकर प्लेट को ऐसे देखें, ठीक है, सामने से फ्रंट से देखेंगे तो इस तरीके से होल होल से दिखेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ये एक सॉलिड प्लेट होती है जिसमें इस तरीके से होल होते हैं, ठीक है। यहाँ से मटेरियल आएगा और ये डाई के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ब्रेकर प्लेट, ठीक है। अभी और मैं अच्छे से दिखा देता हूँ ब्रेकर प्लेट कैसी होती है, जैसे ऐसे होती है ब्रेकर प्लेट रियलिटी में, ठीक है। तरीके से होल होंगे, ठीक है, और एक सॉलिड एक प्लेट होगी, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो ब्रेकर प्लेट मेटालिक डिस्क, जैसे मैंने बताया कि मेटालिक डिस्क हो या सॉलिड प्लेट टाइप की दिखेंगी, और ये 4 से 5 mm थिक होती है, ठीक है। और ये स्क्रीन पैक को सपोर्ट करती है और स्पाइरल फ्लो अगर हो रहा होता है तो उसको लीनियर फ्लो में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और जो अनमोल्टेड मटेरियल होते हैं उसको भी ये होल्ड करता है, ठीक है, रोक लेता है, ठीक है। आई थिंक ब्रेकर प्लेट के बारे में तो पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्रीन पैक। स्क्रीन के पैक देखो कैसे दिखती है, ठीक है। वैसे तो हम देख रहे थे कैसे दिख रही थी, वैसे दिखती है, ठीक है। इसमें बहुत पतले पतले होल होते हैं, देख सकते हैं आप कि इतने पतले पतले होल हैं, ठीक है। और इसके थ्रू जैसे जो मेल्ट मटेरियल हो जाती है इसके थ्रू, इस होल के थ्रू पास होती है, ठीक है। और ये ब्रेकर प्लेट से जस्ट पहले लगाई जाती है, ठीक है। ये बेसिकली 40, 60 और 80 वायर मेस की मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होती है, ठीक है, ये तीनों टाइप के। 40 मतलब क्या होती है कि 1 mm स्क्वायर में 40 होल होंगे, ठीक है। सिमिलरली 60 का मतलब ये कि 1 mm स्क्वायर एरिया में 60 होल होंगे, और 80 का भी मतलब वही होता है कि 1 mm स्क्वायर एरिया में 80 होल्स होंगे। मीन्स जितना ही ज्यादा मेस बढ़ेगा, ठीक है, मीन्स उतनी ही होल्स भी बढ़ेंगे उसमें, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ज्यादा होल्स होंगे। तो मतलब अगर अगर कोई बोले कि 80 वायर मेस का स्क्रीन पैक इसमें होल जो होंगे वो पतले होंगे या मोटे होंगे कंपेयर टू 40 वायर मेस, तो 80 मतलब कि कम से कम एरिया में ज्यादा होल होंगे, ठीक है। और ये कम एरिया में, उसी एरिया में कम होल होंगे कंपेयर टू 80, तो मतलब ये है कि जो 80 वाला वो ज्यादा ही फाइन होगा, ठीक है, और वो ज्यादा ही अच्छे से फिल्टर करेगा, ठीक है। और ये अनमेल्टेड पार्टिकल्स को ये भी रोकता है, ठीक है, और ये बैक प्रेशर को भी डेवलप करता है, मतलब जो जो मटेरियल्स पास नहीं होते हैं इस स्क्रीन पैक के थ्रू वो फिर से बैक हो जाते हैं और अच्छे से फिर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्क्रीन पैक कवर। थैंक यू। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।